इंदौर में पुलिस ने गश्त के दौरान 210 ग्राम चरस के साथ 6 आरोपियों को धर दबोचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त चरस की कीमत 1 लाख रुपए की बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी सभी रतलाम के रहने वाले हैं। आरोपियों से एक कार भी बरामद हुई है। मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र देर रात का है, जहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने भूतेश्वर मंदिर अंतिम चौराहे पर एक टाटा विस्ता कार में कुछ लोग बैठे हुए देखे। टीम ने रुककर पूछा कि यहां कैसे खड़े हो, तो युवा घबराने लगे। संदेह होने पर पेट्रोलिंग टीम ने चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने शहनावाज उर्फ कल्लू की जेब से एक पुड़िया में 210 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए मूल्य की बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए थे, इसी क्रम में कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विस्टा गाड़ी जो है, जो कि महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी है, उसमें कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल एक टीम स्टाफ के साथ रवाना की गई और उनके द्वारा भूतेश्वर रोड पर चेकिंग लगाई गई। जो गाड़ी बताई गई थी वो गाड़ी वहाँ से आई, गाड़ी को रोका गया। रोकने पर उसमें 6 व्यक्ति मिले। जो उसमें चालक था वो शहजाद नाम है, जो कि रतलाम का, जावरा रतलाम का रहने वाला है। और इन लोगों की तलाशी ली गई, तो तलाशी में 210 ग्राम चरस, जो कि अवैध मादक पदार्थ है, वो प्राप्त हुआ है। इनके विरुद्ध तत्काल FIR रजिस्टर्ड की गई है, गाड़ी की जब्ती की गई है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपी है उसको 1 दिन की PR पे भी लिया गया है। इस संबंध में और विस्तृत पूछताछ की जा रही है, कहाँ से ला रहे थे और कहाँ से ले गए। अभी तक तो जो जावरा थाने में तो प्रॉपर में इनका रिकॉर्ड नहीं पता है, और आसपास के रतलाम के बाकी थानों में इनके रिकॉर्ड के लिए पत्राचार किया गया और पता किया जा रहा है। पुलिस ने कार में बैठे सभी 6 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।